नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीटेट पेयरिंग स्टूडेंट के लिए बिहार सरकार को चेतावनी दी गई है। क्या परीक्षा दिसंबर में होने देंगे अभ्यर्थी, कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है क्या, इस पर बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि आज गर्दनी बाग में जो है सीटेट अपेयरिंग के अभ्यर्थी स्टूडेंट्स जो है भारी संख्या में पहुंचे। वहां पर छात्र नेता जो है सौरभ सिंह जी भी पहुंचे हुए थे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि परीक्षा दिसंबर में न होने के लिए जो है पहली कवायद थी। दूसरी अगर हम बात करें तो कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए क्या प्रक्रिया हुई, इस पर अभी हम अपडेट देने वाले हैं। और इसके पहले दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देख लें, इसमें छात्र नेता सौरभ जी क्या कह रहे हैं। अब जो दूसरा दौर है यानी TRE 2, इसको लेकर भी चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज है और दिसंबर में उसकी परीक्षा भी होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो डिमांड थी, जो मांग कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी, उसमें एक झटका उनको लगा है, क्योंकि BPSC ने यह साफ कर दिया है कि जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसी को लेकर आज हम चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर प्रदर्शन पहले भी चल रहा था, लेकिन तब मांग की जा रही थी, और जैसे ही BPSC के चेयरमैन ने ट्वीट किया, उसके बाद से अचानक से ये नाराजगी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ इस वक्त सौरभ कुमार जुड़े हैं, जो छात्र नेता हैं और खुद शिक्षक भर्ती के मामले में लगातार लगे रहे। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिहार में सत्ता पक्ष से RJD के प्रवक्ता अरुण कुमार जी हैं। अरुण जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जी सौरभ, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए। सौरभ माइक ऑन कर लीजिए। और हाँ जी जी जी, अब इसे कहते हैं सर, आज से नहीं, लगभग छठे चरण के बाद लगातार जब हम लोग सातवें चरण की नियुक्ति की बात कर रहे थे और जितने भी शिक्षक थे सब लोगों के साथ कि सातवें चरण की नियुक्ति होनी चाहिए और लगातार कोई ऐसा महीना बाकी नहीं हो, और लगातार आपके चैनल के माध्यम से ही नहीं, लगातार लोगों के पास ये जाती थी कि सातवें चरण की नियुक्ति होगी और हर महीने आंदोलन होते थे, चाहे गर्दनी बाग हो, चाहे गांधी मैदान का स्थल हो। तो आप लोग मांग कर रहे थे कि सातवें चरण की नियुक्ति होनी चाहिए और लगातार अभी चुनावी के चुनाव जैसे ही आने वाला था नजदीक, तो हम तो ठीक है कि चुनाव के बहाने ही लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था बिहार सरकार की तरफ से एक शुरू हुई है। तो हम लोग यही चाहते थे कि हाँ भाई, नौकरी मिलनी चाहिए। लगभग लोग थे इंतजार में थे कि बिहार सरकार के फैसले के तहत उनको नौकरी मिलेगी, परंतु आप बात करेंगे तो लगातार आप प्रथम फेज की बहाली की बात करेंगे तो सब लोगों को मौका मिला। सीटेट अपियरिंग हो, BEd अपियरिंग हो, नियोजित शिक्षक हो, डोमिसाइल नीति पहले लागू था उसके लिए भी काफी बवाल हुआ था सर, डोमिसाइल नीति हटा दिया गया, देश के तमाम राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करने आए, तो सब चीजों पर बिहार सरकार किस प्रकार से फैसले लेती है। और सीटेट अपियरिंग के बाल की बात की जाए तो सर, अभी जो बातें हैं कि जैसे ही ट्वीट हुआ है तो हम लोग आज भी आंदोलन में है। आज भी अभी हम मात्र पहले ही आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सरकार के पास सब जगह से ग्रीवांसेस दे रहे हैं। वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो नियुक्ति प्रक्रिया के बात कर रहे हैं, कोई नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, बस एक मौका चाह रहे हैं, हो सके कि उनको अगर बैठ जाते हैं परीक्षा में, और जनवरी 21 जनवरी को सीटेट की परीक्षा आयोजित है, अगर और CBSE द्वारा जो आयोजित परीक्षा में 15 दिन से 20 दिन में उसका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाता है, अगर BPSC के परीक्षा में बैठते हैं। जी सौरभ, इसका एक दूसरे पहलू पर भी बात करते हैं। BPSC के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि अब इस तरह की जो भर्ती परीक्षा है ये वाली, ये हर साल आयोजित होगी अगस्त महीने में, तो ये भी तो हो सकता है कि सरकार ने सोचा है कि हर साल होगी, तो जनवरी में जो अपियरिंग है उनकी परीक्षा जनवरी में होगी, अगस्त में वो परीक्षा में शामिल होंगे। जी सर, कैसे हम बात पर भरोसा कर ले जब छठे चरण से लगातार आंदोलन हो रहा था और आप कह भी रहे थे कि हम इस महीने निकाल देंगे, उस महीने निकाल देंगे, और लगभग 2 साल के बाद वैकेंसी आई BPSC से, तो हम सरकार की किन किन बातों पर भरोसा कर ले कि ये 24 में और 25 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, 4-5 सालों तक लोग इंतजार करेंगे। तो सीटेट अपियरिंग वालों की मांग बिल्कुल जायज है, प्रथम फेज की बहाली में उनको बैठने का मौका दिया गया, तो क्या जरूरत है उनको, अगर एक तो मौका मांग रहे हैं, अगर वो फेल कर जाए, अगर परीक्षा में, अगर आपको लगता है कि ये चुनावी ही घोषणा है तो 25 में तो अभी टाइम है ना, उससे पहले 24 का अगस्त आएगा, सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है ना, अगर बिहार सरकार को फायदा उठाना होगा तो 25 के लिए भी उठाएगी, तो 24 के अगस्त में परीक्षा निकाल देगी वो, फिर
नहीं, निश्चित रूप से हम लोग ऐसा नहीं है, वो तो मौका मांग रहे हैं ना, परीक्षा में आप बैठने का मौका दे दीजिए, ऐसा तो नहीं है। अगर फेल कर जाते हैं तो आप फिल्टर कर लीजिएगा, बीपीएससी की परीक्षा के तहत फेल कर जाते हैं वो ऑलरेडी हट जाएंगे। जिस तरह की चीजें हैं बिहार में, और लगातार आज से नहीं 10 दिनों से हम लोग, जब से नोटिफिकेशन आया है तब से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब आरजेडी के प्रवक्ता बताएंगे या जेडीयू के प्रवक्ता बताएंगे कि कौन सी ऐसी आ गई, आपत आ गई, उनको बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, 4 लाख जी, क्योंकि आज आपके विषय, आपके विषय पर बात हो रही है, और जब भी छात्र शिक्षक अभ्यर्थी हो या छात्र नेता, मैं उनको पूरा मौका भी देता हूं। मैंने जो सवाल पूछा आप उस पर आइए ना, आपने कहा कि कैसे भरोसा करें, आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनाव से पहले होगा, उसके बाद नहीं होगा, तो जो फिलहाल जो डिमांड है वो तो चुनाव से पहले हो जाएगा ना भाई। अगर जो अभी अपियरिंग है वो तो अगले साल अगस्त की परीक्षा दे लेंगे वो, नहीं अभी जो परीक्षा में बैठेंगे अगर उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको एक मौका मिलेगा। अब अगस्त की परीक्षा में उनको मौका मिलेगा, हो सके उनको ना ही मौका मिले, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसके लिए प्रथम बेच की बहाली में उनको क्यों मौका दिया गया। सर एक चीज और कहना चाहते हैं कि स्टेट जो 23 हुआ उसमें अगर मौका दे देते इन लोगों को तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में बैठने का मौका तो कहीं उनको, उनके हाथ में तो आ जाता, तो आप उसमें भी मौका नहीं दिया। पता नहीं कितनी हड़बड़ाहट में वो परीक्षा ली गई है, स्टेट 23 की परीक्षा जो है अभी हाल में ही ली गई है, तो स्पष्ट है कि पता नहीं। अब अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि सरकार की मंशा, हो सके क्या क्या योजनाएं आगे आए, हो सके चुनाव के चलते, तो हम लोग चलिए अरुण जी के पास एक बार चलते हैं, उनको मौका जरूर मिलना चाहिए। जी ठीक है, अरुण जी जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि छात्र नेता जो है सौरभ सिंह जी जो है लगातार डिबेट कर रहे हैं, और अभी आज जो है आपकी याचिका दाखिल नहीं की गई है। इसके लिए सबसे बड़ा रीजन है कि उनके द्वारा जो सहयोग राशि मांगी जा रही है, जो वकील को देना है, लायर को देना है, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जो है उनका सहयोग करें, और जल्द से जल्द जो है आप समझ सकते हैं कि याचिका दायर हो जाए, क्योंकि 25 तारीख जो है बहुत निकट है। प्यारे साथी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।